हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मिसेस गुप्ता। तो कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। जैसा कि आप सभी को पता है, आज करवा चौथ है। एंड मैं अभी मॉर्निंग में नहा धो के रेडी हो गई हूँ, पूजा वूजा हो गई है और खाना भी मैंने बना दिया है टिफ़िन के लिए, भैया को जाना था। सो अभी इतना काम हो चुका है, इसके बाद मुझे आगे की तैयारी करनी है। सो मैंने बेडशीट्स वगैरह चेंज कर दिए, देखिए। एंड अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, देन उसके बाद आगे के काम करूँगी, क्योंकि अभी पुआ वगैरह बनाने हैं, पूरी बनेगी, सब्ज़ी बनेगी। तो अभी तो मैंने कढ़ी रोटी बनाई है, एंड उसके बाद मैं आगे का काम करूँगी। तो थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर बाद में आगे आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने अभी खाना वगैरह तो बन चुका था, मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। और उसके बाद मैंने ये अपने करवे की तैयारी भी कर ली है, देखिए तैयार हो गया मेरा करवा। और ये पूजा की थाली लगाने जा रहे थे, अभी छत पर वो बना कर आए हैं, जो बनता है करवा चौथ का पूरा। सो वो बना लिया मैंने, इसकी तैयारी कर ली। शाम को दीपक जलाते वो भी जला दिया मैंने। एंड अब मैं जा रही थी रेडी होने, मैं लहंगा साड़ी पहनने जा रही हूँ, तो सामान मैंने निकाल लिया। तो चलिए मैं अब रेडी हो जाती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने ये बनाया है, देखिए करवा चौथ। बहुत से लोग कैलेंडर लेके आते हैं, बट मैं कैलेंडर नहीं लाती, तो ये इस तरह से आईपन से और गेरू से तो बनाया जाता है। तो मैंने बनाया है, सीढ़ी है और मछली है, सूरज है, चंदा है, ओम बनाया है, स्वास्तिक बनाया है, एंड तुलसी जी बनाई है मैंने, और साथ में डोली ले जाते हुए दो आदमी बनाए हैं, कलश बना दिया, और ये गणेश भगवान जी हैं। तो मैंने इस तरह से इसको बना दिया, बना के मैं रेडी हो जाऊंगी। तो चलिए हम आगे मिलते हैं वीडियो में, ऐसे ही बने रहिए हमारे वीडियो पर। अभी मैंने हेयर स्टाइल बनाई थी, थोड़ी थोड़ी बिगड़ भी गई है, हाथ हाथ लग गया। तो मैं रेडी हो जाऊँ, फिर उसके बाद आप सभी को मिलती हूँ। अभी मेरा गेटअप ये है, अब मैं उसके बाद आपको रेडी होती हूँ। फ्रेंड्स, तैयारी हो चुकी है और अब मैं जा रही थी छत पे, तो मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। ये देखिए करवा मेरे रेडी हो गए, पूजा की थाली रेडी हो गई हूँ। तो ये है मेरा फाइनल गेटअप, कैसी लग रही हो कमेंट कीजिएगा। और मैंने पहनी है लहंगा साड़ी, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो हस्बैंड भी रेडी हो गए, वो पहन नहीं रहे थे, बट मैंने उन्हें ज़बरदस्ती पहना है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, वो आएंगे नहीं वैसे कैमरे के सामने, तो पिक लगा दूँगी, आप लोग तब देख लीजिएगा, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो मैं उन्हें फोर्स भी नहीं करूँगी। फिलहाल मैं अभी जा रही हूँ छत पर, तो मैं अभी छत का वीडियो निकालती हूँ, तब मैं आपको देखते हैं। और आप सभी को, दीदी को भी वीडियो देखने को मिलेगा, भाभी का नहीं मिल पाएगा क्योंकि भाभी नहीं कर रही हैं, क्योंकि सुकवास्त वगैरह है, ऐसे में पूजा नहीं की जाती 2 साल तक, 3रा साल उठाएगी भाभी, तो भाभी की वीडियो नहीं मिल पाएगी। और मेरी और दीदी की मैं आप सभी को वीडियो दिखाऊंगी, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। और मिलते हैं हम आपको बाद में। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं चाँद निकल चुका है, और हम जब छत पर आए तो चाँद निकल ही चुका था। सबसे पहले हस्बैंड ने देखा, फिर मैंने देखा, और अब मैं यहाँ पर पूजा स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि वैसे ही लेट हो चुकी थी। तो हस्बैंड वीडियो बना रहे थे और मैं पूजा कर रही थी, और कोई नहीं था छत पे, एक लोग आए थे बट वो जल्दी करके चले गए थे नीचे फ्लोर वाले, तो उन्हें खाली अर्घ ही देना था, तो वो देकर वह जल्दी चले गए थे पूजा करके। बट मैं ऊपर छत पर पूजा करके बाकायदा जैसे मम्मी करती थी वैसे मैंने किया। सो यहाँ पर मैं अभी पूजा कर रही हूँ अब, तो मैं हर बार मैं दीदी से पूछ कर पूजा करती हूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, और फिर भी इस बार भी मैं कुछ ना कुछ भूल ही गई, वो तो मुझे बाद में याद आया। तो यहाँ पर हस्बैंड और मैं थे, मम्मी भी नीचे चली गई थी, और मुझे हस्बैंड लाइट वगैरह भी दिखा रहे थे, हवा चल रही थी जिसकी वजह से बार बार माचिस पूछ जा रही थी हवा की वजह से। तो मैंने कैसे तैसे करके पूजा कर ली, मगर दीपक तो नहीं बुझे थे, अच्छा था, इतनी हवा चलने के बाद भी मेरे दीपक जल रहे थे, फिर भी मैंने पूजा कर ली। तो चलिए आगे का ऐसे ही देखते रहिए आप वीडियो में, बने रहिए। करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। दैव लोग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया, तब वह मनुष्य करवा करवा करके।
सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बदल रही हूँ करवा। जो पूजा होने के बाद करवा बदला जाता है, तो यहाँ पर मेरी हेल्प कर रहे हैं हस्बैंड, क्योंकि और कोई था ही नहीं तो कौन हेल्प करता, तो उन्हें करने नहीं आ रहा था, बट उन्हें मैंने बताया तो फिर उन्होंने इस तरह से जैसे तैसे कर लिया। आगे देखिए, मैंने फिर चांद भगवान की पूजा की। टेरेस पे लाइट नहीं थी, लाइट नहीं क्या मतलब थी तो, बट हम लोगों को पता नहीं था, बल्ब नहीं लगा हुआ था, तो हम लोगों ने अंधेरे में ही अपना ऐसे कैमरा और फ्लैश वगैरह ऑन करके, टॉर्च ऑन करके पूजा कर ली। पूजा तो हो गई थी अच्छे से। और अभी यहाँ पर अब हम जो जो होता है सीके और फरण हल्के होता है लटों में, वो हम कर रहे थे। फिर उसके बाद चांद की पूजा करके हमने इस तरह से पूजा कंप्लीट की। तो हेल्प मेरे हस्बैंड ने ही की मेरी। और यहाँ पर भैया वीडियो निकाल रहे थे, क्योंकि भैया इनको परेशान भी कर रहे थे, क्योंकि इन्हें पसंद नहीं है वीडियो बनाना, पर ये भैया इनको परेशान कर रहे थे, इसलिए ये वीडियो में बार बार पीछे भाग रहे थे। सो फ्रेंड्स, ऊपर की पूजा होने के बाद हम नीचे आके फ़ोटो क्लिक किए, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर साड़ी चेंज कर ली थी और गहने वगैरह पहने हुए थे। मैंने कहा एकदम से नहीं, फिर थोड़ी देर में निकालूंगी। तो मैं यहाँ पर खा रही थी फरा और चाय, मम्मी ने चाय बना दी थी, तो चाय और फरा खाने के बाद मैं फिर मैंने सोचा बाद में निकाल लूँगी, चूड़ी वगैरह सब निकाल के रख लूँगी। तो चलिए आगे दीदी की वीडियो आप सभी को दिखाते हैं। दीदी की ज़्यादा वीडियो नहीं है। ये देखिए, ये दीदी की मेहंदी है, दीदी ने लगाई है, और दर्शी ने भी दीदी को मेहंदी लगाई है। और अब यहाँ पर दीदी करवा जो होते हैं उन्हें आईपन से रंग रही है, और ये देख सकते हैं आप वीडियो में। तो जो दीदी ने मुझे वीडियो शेयर किए, मैंने वो आप सभी के साथ शेयर कर दी, क्योंकि दीदी बता रही थी ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई और नहीं हो पाता है, बट फिर भी उसने जो बनाया मुझे दिया, तो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कमेंट भी करिएगा। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर दीदी होने जा रही है रेडी, और ये है दीदी का श्रृंगार का सामान। तो अब दीदी का गेटअप भी आप देखिएगा, ज़्यादा पिक तो नहीं मिली है, बट जो मिली है वो आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा दीदी का फाइनल लुक, और आप सभी को लुक कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने और दीदी ने करवा चौथ मनाया, और काफ़ी अच्छा लगा। सो आप सभी को ये करवा चौथ का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय माता दी, जय श्री राम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।